गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और आज मुझे, अब मैं फ्री हुई हूँ शाम के 5 बजे, क्योंकि काम बहुत फैल गया था तो मैंने सारी अलमारियाँ खाली करी हैं। समर के कपड़े निकाले हैं तो मुझे विंटर के लगाने हैं, और साथ में मैंने मशीन भी लगा ली थी तो सारी बालकनी में कपड़े हैं। और यहाँ थोड़ा सामान फैला पड़ा है जो मुझे अब समेटना है। तो आज मैंने मंदिर वाला कमरा भी काफ़ी साफ किया है, क्योंकि वो भी गंदा हो ही गया था, तो मैंने सारा एक्स्ट्रा सामान हटा दिया है और यहाँ पर सब खाली खाली कर दिया है। और ड्रेसिंग बहुत फैला पड़ा है तो उसको ठीक करना है, और प्रेस वाली को कपड़े देने हैं तो उसी की गांठ बनी हुई है बस। और ये साड़ी निकाली थी मैंने, कहा देखती हूँ ये कैसी है, इसका नहीं तो कुछ बनवाती हूँ, लेकिन साड़ी गल चुकी है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है ये, तो बस इसको हटाना है मुझे। और रूम घर क्लीन हो चुका है बस अब। और जो कल मैं लेकर आई थी भुजे, तो वो मैंने यहाँ लगा दिया है, ये वाला शोपीस। और ये राधे कृष्ण थे जो लाई थी, ये मैंने यहाँ लगा दिए, तो मुझे यहाँ पर ये लगे हुए थे ना, ये अंकल आंटी, तो ये यहाँ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से हटा के इनको यहाँ लगा दिया है। और फ़ोटोज़ मैंने वहाँ लगा दी हैं पापा मम्मी की इनके। और यहाँ सारा एक लाइन में लग रहा था भरा भरा, तो मैंने इसलिए अलग अलग दीवार पर कर दिया है सारा। और ये मैंने ओरिजिनल प्लांट रखे हुए हैं रूम में, तो ये मोर पंख है, तो मैं सोच रही इसके लिए भी स्टिक ले आऊँगी, तो कल टाइम नहीं था इसके लिए भी, मैं सोच रही हूँ स्टिक लाने के लिए प्लास्टिक, क्योंकि इस टाइम मार्केट में भरपूर वैरायटी है दिवाली की वजह से। तो ये यहाँ लगा दिए हैं मैंने जो वहाँ रखे हुए थे। और मुझे ये राधे कृष्ण मैं इतने पसंद नहीं आ रहे, तो मैं सोच रही इसको चेंज करवा लूँ, तो देखती हूँ इसको चेंज करवाती हूँ या यही रखती हूँ। और ये सब वैसे भी जिन्होंने मुझे करवा चौथ के बाद गिफ्ट में पैसे दिए थे, तो मैंने उनसे करी है ये शॉपिंग, और अभी कुछ पैसे मेरे बच रहे हैं, तो जो बच रहे हैं तो उनसे मैं शॉपिंग कर लूँगी। और यहाँ सुबह के रखे हुए बर्तन थे तो मैंने अभी साफ़ करे, और बाकी मैं लगा चुकी हूँ इसमें। और खाने में बना रही हूँ यहाँ पर मूंग की धुली दाल, तो आज मैं थोड़ी भून के बना के देख रही हूँ कैसी बनती है, और साथ में पनीर की भुजिया बनाऊँगी बस। तो आज के डिनर में यही है मेरा सिंपल सा रूटीन, क्योंकि काफ़ी थक चुकी हूँ मैं दिन भर काम करके, तो अभी यही बना रही हूँ धुली दाल और पनीर की भुजी। यहाँ दाल बने रख दी है मैंने, और अब यहाँ बना रही हूँ चपाती। और मैं रात में अपना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी पूरा, तो मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ। और यहाँ बना रही हूँ मैं अपने लिए मूली के पराठे, ये जा चुके हैं और बच्चे भी जा चुके हैं, तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, बाकी सबको करा चुकी हूँ मैं। वैसे मैं डबल वाले भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सिंगल में ही बना लिए। मुझे क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट नहीं अच्छा लगता मुझे। हमारे घर में सॉफ्ट सिर्फ आशी और ये खाते हैं, आपको भी सॉफ्ट खाती है, मैं थोड़ी कुरकुरी खाती हूँ चीज़ें। तो पराठा बनके तैयार है, और नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो यहाँ मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। और मैंने इस पर ये प्लास्टिक का कवर बिछा दिया, क्योंकि यहाँ पर गीले कप वगैरह रखती तो वो जंग लग रहा था, तो इसलिए पोंछ के मैंने यहाँ पर यह प्लास्टिक का कवर बिछा दिया इस पर।
और ये देखिए ये बर्ड कैसे वेजिटेबल की टोकरी पर बैठी हुई है, देखिए जाओ ना और बात करके दिखाती हूँ आपको, उड़ जाएगी। और इतने बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये वाले इतने हैं ना कि हर जगह इनकी पॉटी पॉटी होती है बाहर। हटाओ ना इसे। ये देखो, ये देखिए अभी जाके देखेगी, मुझे उड़ जाएगा ये। ये देखिए शायद इसे कोई प्रॉब्लम है तभी नहीं उड़ पा रही। अरे क्यों हटाऊं? हटाऊं ना। अब यहाँ बैठ गई, मैंने इसको हटा दिया है क्योंकि वो कर देगी ये पॉटी वगैरह। कोई प्रॉब्लम। और अब काम वगैरह सब मेरा हो चुका है तो, और यहाँ मैंने सुबह आशी के जाने के बाद ही ये सरसों का साग था ये साफ करके रख लिया था, और मेथी धनिया वगैरह। तो बस अब मुझे इसको काट के और इसको उबालने रखना है, शायद मैं रात में मक्की की रोटी और सरसों का साग ही बनाऊंगी। तो बस किचन वगैरह भी काफ़ी हद तक सिमट चुकी है, और ये मैंने रातों पर लाई थी परेशान मिला था, तो ये आज सोच रही छिली लूँ वरना ख़राब हो जाएगा नारियल भी। तो बस अब थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर मुझे साग वगैरह भी काटना है। और यहाँ मैंने साग के लिए लहसुन भी छिल लिया है, और आशी को जितना मना करो ना फास्ट फूड खाने के लिए वो उतना ही खाती है। देखिए अभी किचन में चलते हैं और वो बना रही है अपने लिए पास्ता, आपको चुपके से दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये राइस बने स्पेशल राइस। अच्छा, और ये इतने पास्ता नहीं बनाया, दोपहर में मैंने जो राइस बनाए थे, लंच में दाल चावल बनाए थे तो वही चावल बचे हुए थे, प्याज टमाटर वाले थोड़े थोड़े हैं। और ये देखिए यहाँ, या मैंने नहीं किया ये मैंने नहीं किया, कसम से चूहा आया था। और मेरी किचन देखो कितनी फैला दी, अभी मैं साफ करके गई थी। अब मुझे यहाँ साग भी काटना है क्योंकि मुझे बनाने रखना है, तो यहाँ काट रही हूँ मैं साग क्योंकि मुझे इसे उबाला देना है। और मक्की का आटा तो उसी टाइम मलूंगी जिस टाइम खाने बैठेंगे। साग मैंने काट लिया है तो बस इसे मुझे उबालने रखना है, और मैं इसमें नमक ही डाल के उबालूंगी अभी। वैसे मैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, और तड़के में भी डालती थी, लेकिन आज मैं सिर्फ नमक डाल के ही उबाल रही हूँ। वैसे मुझे साग अपनी छोटी भाभी के हाथ का अच्छा लगता है क्योंकि वो सरदारनी है तो वो वैसे ही अच्छा बनाती है, सरदार लोगों को तो बहुत अच्छा बनाने आता है। वैसे खाया मैंने एक दो बार ही है उसके हाथ का, क्योंकि जब सीज़न होता था तो विंटर होता था और विंटर में मैं नहीं आती थी, मैं समर में ही जाती थी। तो बस पहले इसको मैं उबाल लेती हूँ, और मैंने इस कढ़ाई में देसी घी निकाला था तो वो मैंने खाली कर लिया, और इसी में मैं साग का तड़का लगा रही हूँ। तो ये मैंने काफ़ी सारा इसमें लहसुन डाला है अभी, और साग भी उबल चुका है तो बस इसे थोड़ा सा घोटना है मुझे। और मैंने कढ़ाई में प्याज भी डाल दिए हैं, लहसुन हरी मिर्च और प्याज डाल चुकी हूँ मैं इसमें। अब मुझे टमाटर चॉप करने हैं, और टमाटर भी मैं इसमें चॉप कर रही हूँ। लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो प्याज चॉप हो चुके हैं। और मैंने प्याज फ्राई होते हुए नमक डाल दिया था कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए,
और अब मैं डालूंगी इसमें मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी डाली है, देंगे मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मैं देसी घी में ही बना रही हूँ क्योंकि देसी घी में साग बहुत टेस्टी बनता है। और मैंने इसमें 2 चम्मच जितना मक्की का आटा डाल के और इसे मैं बीटर की हेल्प से थोड़ा सा बारीक पेस्ट बना रही हूँ क्योंकि पहले ये बहुत बारीक था तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसमें। बस अब यहाँ मसाला तैयार हो रहा है और ऑयल छोड़ने तक मैं इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो बस मसाला मेरा फ्राई हो ही चुका है तो यहाँ डाल रही हूँ मैं ये साग इसमें। और साग बनकर तैयार है, बस इसे सर्व करते टाइम इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल दो तो इससे स्वाद बढ़ जाता है। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।